हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इक्विटी का क्या मतलब होता है, मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी क्या चीज़ होती हैं और इक्विटी की ओरिजिन कहां से हुई है। कल हमने एक वीडियो लाइव आके बनाया था, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है यूट्यूब पे, कि वो वीडियो जो है लोगों को दिख नहीं रही है, मेरे खुद के फ़ोन में भी नहीं खुल रही है। तो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं इक्विटी को बिल्कुल सरल से शब्दों में कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। देखिए, इक्विटी का मतलब होता है, एकदम सरल से शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो इक्विटी का मतलब होता है इंसाफ करने की भावना, यानी न्याय करने की भावना। जो इंसाफ, न्याय या अदल करने की हम लोगों के अंदर की जो फीलिंग होती है, जो कॉन्शियंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई ताकतवर किसी कमज़ोर को मार रहा है, तो आपके अंदर जो फीलिंग आती है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, ताकतवर जो है कमज़ोर को ना मारे, तो ये जो फीलिंग होती है इसको हम लोग कहते हैं कि ये इक्विटी वाली फीलिंग है, यानी ये आपके अंदर जस्टिस वाली है फीलिंग। जस्टिस वाली जो फीलिंग होती है इसी को इक्विटी वाली फीलिंग कहते हैं। या आपके सामने कोई एक लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है, तो आपके अंदर जो फीलिंग उठती है कि उस लड़के को रोका जाए या वो उस लड़के को रुकना चाहिए, तो ये जो फीलिंग है इसको हम लोग कहते हैं इक्विटी। तो ये है इक्विटी का मतलब, जहाँ पे हमारे अंदर इंसाफ करने की भावना, अदल करने की भावना जो आती है उसी को हम लोग कहते हैं इक्विटी। अब देखिए, इसको हम लोग कुछ डेफिनेशंस के जरिए देख लेते हैं। जैसे इक्विटी इज एन इक्विवोकल टर्म एंड इट हैज़ बीन यूज इन डिवर्स सेंसेस। द लिटरल मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग है इक्विटी की, इज राइट एज फाउंडेड ऑन द लॉज ऑफ नेचर। वो राइट जो लॉज ऑफ नेचर के अंदर मिलती है, मतलब कि ऐसे तो हम लोग जो चीज़ करते हैं वो कानून से बाध्य होकर करते हैं कि भाई कानून में लिखा है कि ऐसा मत करो तो हम नहीं कर रहे हैं, कानून में लिखा है कि मत छेड़ो तो हम नहीं छेड़ रहे हैं, कानून में लिखा है चोरी ना करो तो हम नहीं चोरी कर रहे हैं। लेकिन इक्विटी का मतलब होता है कि ये उन राइट के बारे में बात करता है, उन सही चीज़ के बारे में बात करता है जो लॉ ऑफ नेचर के अंदर पाई जाती है, जो हमारे खुद के अंदर होती है, उसी को इक्विटी बोलते हैं। अब जैसे एक डिफिनेशन इक्विटी, इक्विटी इज द करेक्शन ऑफ द लॉ वेयर इट इज डिफेक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ इट जनरलिटी। इक्विटी मीन्स एनी बॉडी ऑफ रूल्स एग्जिस्टिंग साइड बाय द ओरिजिनल सिविल लॉ। इक्विटी जो है ये वो रूल है जो मेन लॉ के साइड बाय साइड पैरेलल चलता है, ये कोई लिखा हुआ कानून नहीं होता है। इक्विटी का कोई लिखा हुआ कानून नहीं है, ये तो हमारे अंदर पाया जाता है ना, तो ये लिखा हुआ कानून नहीं होता इक्विटी का। Founded on the district principles and claiming distinctly to supersede the civil law by nature. Sir Henry Maine कहते हैं defines equity as the body of rules, the primary sources of which was neither custom, इसका जो source है equity का ना तो custom है ना तो written law है, कोई लिखा हुआ कानून तो है नहीं इसका, but the imperative dictates of conscience. Imperative dictates of the conscience, हमारा जो conscience कहता है, जो हमारे अंदर का मन कहता है, उसी को equity कहते हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि इक्विटी का क्या मतलब होता है, जो न्याय करने की भावना होती है। वालेकुम अस्सलाम उस्मान अब्बासी। अब दूसरी चीज इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अब ये इक्विटी को थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है, कहां से आ गई। देखिए, जब इंग्लैंड को नॉर्मन ने, जो नॉर्मेंडी के लोग थे, जो नॉर्दर्न फ्रेंच का पार्ट है, फ्रांस का पार्ट है, उन लोगों ने जब उसको कॉन्क्वेस्ट किया, तो 1066 में, यानी हम लोग कह सकते हैं 11th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में, जो इंग्लैंड के अंदर जो कोर्ट थे, जो न्याय देते थे, वो तीन कोर्ट थे। एक किंग्स बेंच थी, एक कॉमन प्लेस था और एक एक्सचेकर था। कौन कौन से थे? किंग्स बेंच, कॉमन प्लेस और एक्सचेकर, ये तीन कोर्ट्स थे जो आम तौर पे जनरल लॉ को एडमिनिस्टर करते थे। यानी जनरल लॉ जो, यानी उनका कस्टम था, जो यूजेजेस था उस वक्त इंग्लैंड में, वो उसी को एडमिनिस्टर करते थे, उसी के मुताबिक चलते थे। फिर यहीं से कॉमन लॉ के डेवलपमेंट शुरू हुआ, जो कॉमन लॉ अक्सर आप सुनते हैं, यहीं से कॉमन लॉ का डेवलपमेंट शुरू हुआ, क्योंकि ये जो कोर्ट जो है ऑर्डर या जो ये न्याय दे देते थे, इसी के बाद जो है आने वाले जो जजमेंट होते थे वो उसी के ऊपर ऐसा प्रेसिडेंट लेके चलते थे। तो ये पहले सिस्टम चला आ रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि इन कोर्ट में जो लोग जाते थे, इन कोर्ट में जो जाते थे वो प्लेंटिफ हुआ करते थे। जो लोग जाते थे उनको न्याय नहीं मिलता था, बहुत सारी जगह पे जो है कानून साइलेंट होता था, क्योंकि भाई वो तो कस्टम और यूजेजेस को फॉलो कर रहे थे, तो उनको हर चीज़ कैसे मिल सकती थी। अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो डैमेजेस दिलाए दे रहे हैं। भाई अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अभी हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो उसको पूरा करो। सेक्शन 53A आप पढ़ेंगे TPA के अंदर, कि अगर पार्ट परफॉर्मेंस है तो भी उसको पूरा करवाया जा सकता है, लेकिन वो क्या करते थे, डैमेजेस दिला देते थे। बहुत सारी जगह पे मामला साइलेंट है, कुछ नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए क्या हुआ, तो जो लोग एग्रीव्ड होते थे वो क्या करने लगे,
किंग के पास अपील करने लगे या किंग के पास जाने लगे। तो अब ये एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो फिर ये बार बार चलन चलने लगा। ये स्टोरी को बहुत अच्छे से समझिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इक्विटी का। अब ये बार बार चलन में आने लगा। अब जब ये बार बार चलन में आने लगा तो किंग के पास भी जो है मैटर बढ़ने लगे बहुत ज़्यादा। बार बार उनके पास अपील हो रहे हैं, जिसको देखो वहाँ पे चला आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो एक्सचेकर कोर्ट हमने बताया, इसका जो सेक्रेटेरिएट होता था उसको बोलते थे चैंसरी कोर्ट, और जिसका चीफ होता था चैंसलर। तो किंग ने क्या करा कि चैंसलर जो होता था, चैंसलर समझ लीजिए बहुत बड़ी पोस्ट थी, ये समझ लीजिए किंग का प्राइम मिनिस्टर होता था, ये सेकेंड सबसे बड़ी पोस्ट होती थी किंग के बाद। तो किंग ने उसको दे दिया मामला कि अब तुम इन मामलों को डिस्पोज ऑफ करो, इनको देखो। उसने रिट इशू करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और भी समझ लेते हैं, जिससे हम लोग इक्विटी को और अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए अब आप देखिए बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कि अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति जो है किसी बूढ़ी औरत से ले जा के कोई ज़मीन लिखवा लेता है। अब वो बूढ़ी औरत जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज़्यादा समझदार नहीं है, उसको आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन कानून की नज़र में क्या चीज़ है कि भाई रजिस्ट्री हो गई तो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। कानून के नज़र में रजिस्ट्री हो गई तो प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन इक्विटी क्या कहती है, इंसाफ क्या कहता है कि नहीं भैया उस औरत के साथ गलत हुआ है, वो चीज़ उसको मिलनी चाहिए। या मैंने मान लीजिए कि हमने आपके साथ बैठ के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया भाई मुझे कोई कंपे थोड़ी नहीं कर सकते कि मैं पूरा करूँ, लेकिन इक्विटी कहती है कि इंसाफ कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को जो मैंने वादा किया है उसको पूरा करना चाहिए। तो यहाँ से आप थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि इक्विटी का क्या मतलब होता है। अब जैसे मैंने आपके साथ कुछ लिखित तौर पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मैं आपको कोई मकान बेचूंगा, आपने जाके उस मकान के सिलसिले में कई और लोगों से बयाना ले लिया, कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लिया और कई लोगों से कि मैं उस मकान को किसी स्कूल में बनाऊंगा, आगे चल के मैं बदल दूँ, क्या मैं नहीं बेचूंगा, मेरा मन नहीं है। तो अब यहाँ पे सोचिए आपको कितना नुकसान होगा, आपने उसको सोच के कितनी चीज़ें, कितना ख्याली पुलाव बना लिया होगा, क्या क्या चीज़ें सोच डाली होंगी कि हम स्कूल बनाएंगे, प्रिंसिपल बनेंगे, कुछ काफ़ी चीज़ें सोच डालेंगी। तो आपके कितना सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ, आपका कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों को आपने बयाना दे दिया। तो यहाँ पे इक्विटी क्या कहती है कि नहीं मुझे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहिए। तो ये इक्विटी यहाँ पे इस रोल में आती है। तो अब मैं जो आपको बता रहा था कि क्या होने लगा कि जो एक्सचेकर कोर्ट था, इनका जो सेक्रेटेरिएट होता था, उसका जो चीफ होता था चांसलर, किंग ने कहा चांसलर से कि तुम इन सबको डिस्पोज ऑफ करो, और उसको सिलेक्टेड रिट्स दे दिया कि तुम इन रिट्स को इशू करना शुरू कर दो। फिर धीरे 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 ये चीज़ आम होने लगी। अभी तक जो है कोर्ट ऑफ चांसरी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी, लेकिन ये चलन में आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ यह आपको बताई दिया कि ये अपील होती थी, लेकिन जो 14 सेंचुरी से पहले आप ये कह सकते हैं कि ये जो चांसरी कोर्ट थी, यानी जिसको चांसलर देख रहा था, ये पूरी तरीके से फंक्शन करने लगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये कोर्ट जो है एक अलहदा कोर्ट है, यानी कॉमन लॉ कोर्ट से जो जनरल लॉ को लागू कर रही है उनके अलावा ये कोर्ट पैरेलल काम कर रही है। ये पैरेलल काम कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास कोर्ट है लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके अलावा भी अगर कोई कोर्ट बना दिया जाए कि जो अलग मामलों को चला रही इन्हीं के बराबर पावर रख के, तो उसी तरीके से ये जो कोर्ट थी ये इक्विटी की कोर्ट बनी आगे चल के, जो दो कोर्ट साथ में चल रही थी, कॉमन लॉ कोर्ट्स जिनके अंदर हमने आपको बताया कौन कौन सी आती है, जो हमने आपको बताया कॉमन प्लीस, किंग्स बेंच, एक्सचेकर, और ये जो है एक कोर्ट इक्विटी की जो बनी ये पैरेलल चलने लगी। यानी अगर कोई इस कोर्ट में जाता था उसको रिलीफ नहीं मिल पाता था या एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिल पाता था या बहुत से मामलों में साइलेंट होती थी, तो लोग इनके पास आते थे जो इक्विटी की कोर्ट चला रहे थे। तो 14 सेंचुरी तक ये अच्छी खासी फंक्शनिंग करने लगी। फिर इक्विटी कोर्ट, ये जो चांसलर हुआ करते थे पहले, ये चांसलर जो होते थे मेन तौर पे ये पादरी होते थे, यानी जो चर्च के बिशप होते थे या फादर होते थे, फादर नहीं कहेंगे लेकिन जो बिशप होते थे उनको मेन चांसलर बनाया जाता था, ताकि जिनको जो है अच्छी नॉलेज हो, रोमन लॉ की अच्छी नॉलेज हो, प्लस उनको रिलीजियस नॉलेज हो, उनको बनाया जाता था। लेकिन 1529 के बाद से ये चलन टूट गया। ये चलन क्यों टूट गया? ये चलन इसलिए टूट गया कि उसके बाद से जो है लॉयर को चांसलर बनाया जाने लगा। चांसलरी कोर्ट का जो चांसलर था वो लॉयर को बनाया जाने लगा, कि अब क्योंकि लॉयर को थोड़ा लीगल नॉलेज होती थी, थोड़ा लीगल समझ होती थी, क्योंकि अब अगर हमने किसी को चांसलर बना दिया है और उसको कहा है कि इक्विटी के प्रिंसिपल के ऊपर तुम्हें मामलों को डिस्पोज ऑफ करना है, किसी मामले को डिस्पोज ऑफ करना इक्विटी के ऊपर, तो भाई इक्विटी तो बहुत बड़ी हो सकती है। मेरे हिसाब से इसका कोई लिखित कानून भी नहीं है, ना कोई लिखित कानून है, ना कोई प्रेसिडेंट है, कोई अपनी मर्जी से भी दे देगा कि मेरे अनुसार जो है इनके साथ गलत हुआ, मेरे अनुसार इनके हिसाब से गलत नहीं हुआ। तो ये
इसलिए इस पोस्ट को लॉयर को दिया जाने लगा। फिर उसके बाद इन दोनों कोर्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। ये जो दोनों कोर्ट थे, इक्विटी कोर्ट और ये जो कॉमन लॉ कोर्ट थी, इनमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। फिर इसी तरह सारी चीज़ें चलती रही। फिर हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लैंडमार्क टाइम है वो है ज्यूडिकेचर एक्ट का पास होना, जो पास हुआ है 1875, 1873 और 1875 का जो ज्यूडिकेचर एक्ट है, ये सबसे लैंडमार्क एक्ट है इक्विटी के लिए, सबसे लैंडमार्क एक्ट है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट ने जो दो कोर्ट चल रही थी, एक कॉमन लॉ कोर्ट और इक्विटी कोर्ट, इन दोनों को मर्ज करके एक कोर्ट बना दिया। फिर ऐसा नहीं था कि जो पार्टी एग्रीव्ड है या जो प्लेंटिफ है या जो पिटिशनर है उसको पहले जाए वो कॉमन लॉ कोर्ट में, वहाँ नहीं रिलीफ मिल रही है तो वो इक्विटी कोर्ट में आए। तो ये जो ज्यूडिकेचर एक्ट था 1873 और 1875 का, इसने इन दोनों कोर्ट को मर्ज करके एक बना दिया। तो ये कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोगों के लिए समझने के लिए था कि ये इक्विटी क्या चीज़ होती है और ये किस तरीके से डेवलप हुई है। अब ये एक हो गई। अब दूसरी चीज़ हम लोग फिर से समझते हैं कि हमारे देश इंडिया के अंदर इक्विटी का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। देखिए, हमारे यहाँ पहली चीज़ कोई इक्विटी की कोई दूसरी कोर्ट नहीं है, हमारी वही एक कोर्ट है जो इक्विटी के प्रिंसिपल को भी लागू करती है और जो दूसरे प्रिंसिपल हैं उनको भी लागू करती है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, हमारे यहाँ जितने भी कानून बने हैं उन्हीं के अंदर इक्विटी के प्रिंसिपल ऐड हैं, यानी जितने इक्विटी के प्रिंसिपल हैं वो ऑलरेडी प्रोविजन के अंदर इंक्लूड कर लिए गए। किसमें किसमें? जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑलमोस्ट जो है इक्विटी के ऊपर ही बना है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजन हैं जो इक्विटी के ऊपर बने हुए हैं। ट्रस्ट, जो ट्रस्ट एक्ट है इंडिया के अंदर, वो भी इक्विटी के ऊपर बेस है। देखिए, अब इक्विटी को हम लोग फिर और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, तो जब ट्रांसफ़र होगी, ट्रांसफरी जब रजिस्ट्री हो जाएगी तभी तो वो उसका मालिक बनेगा ना, बगैर ट्रांसफ़र होने से पहले तो वो मालिक बन नहीं जाता है। तो सपोज़ डैट कि मैंने आपके साथ कोई बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखित तौर पर कर डाला, सब चीज़ की मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा, दूंगा, पैसे की बात हो गई, आपने मुझे जो है कुछ अर्नेस्ट मनी दे दिया, मतलब कुछ एडवांस में पैसा मुझे दे दिया। अब लेकिन आपको प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र हुई नहीं है पूरी तरीके से, तो आप उसके मालिक तो हैं नहीं, तो हम तो कभी भी चाहे कैंसिल कर सकते हैं। तो कानूनी नज़र से तो हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बाद भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए अगर ज़रूरी है और आप उसका पार्ट परफॉर्मेंस हो चुका है और जो बाकी का परफॉर्मेंस है वो करने के लिए तैयार है, तो आप उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकते हैं। यानी आप ये करवा सकते हैं, मुझे कंपेल करवा सकते हैं कि मैं उस ज़मीन या मकान को बेचूँ आपको। तो ये किस तरह से निकल के आया? ये इक्विटी से निकल के आया। जैसे स्टॉपेल की डॉक्ट्रिन है, कि मैंने आपसे कहा कि कोई मकान जो है वो मेरा है, वो असल में नहीं था, बाद में वो मकान मेरी प्रॉपर्टी बन जाती है, तो आप मुझे फोर्स करवा के वो मकान ले सकते हैं, क्योंकि इक्विटी कहती है कि अगर मैंने इंसाफ कहता है कि अगर मैंने आपको कोई चीज़ धोखाधड़ी दे के दिखाया कि कोई चीज़ मेरी है, अब अगर मेरे पास पावर में वो चीज़ आ जाती है तो इंसाफ कहता है कि मुझे वो चीज़ आपको देनी चाहिए। उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने आपके साथ बैठ के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, आपने मुझे कुछ एडवांस पैसा दे दिया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। जब कॉन्ट्रैक्ट वाइड है तो आप कोर्ट किस बात के लिए जाएंगे? आपको पता ना, वही कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होता है, वही एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट ही पूरी तरीके से वाइड है तो वो उसके अंदर कुछ इन्फोर्स हो ही नहीं सकता, उसके अंदर कुछ नहीं इन्फोर्स होगा, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने मुझे एडवांस पैसा दे दिया है तो आपका पैसा कहाँ जाएगा? तो इक्विटी कहती है कि आपका पैसा वापस होना चाहिए। उसी तरीके से मान लीजिए ट्रस्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी तरीके से एक ट्रस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज डैट कि मैंने आपको अपनी एक प्रॉपर्टी दिया, मैंने कहा कि मेरे नाती पोते जो होंगे उनके खर्च के लिए आप इस्तेमाल करिएगा। अब प्रॉपर्टी मैंने आपको पूरी तरीके से दे दिया, अब आप मेरे नाती पोतों को मेंटेन करने के लिए उस प्रॉपर्टी से पैसा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद खा पी रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी तो आपके नाम है, हर आदमी कहेगा देखने में तो आप ओनर हैं, लेकिन इक्विटी कहती है कि जिस मकसद के लिए हमने आपको प्रॉपर्टी दिया है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, जो पैसा है उस प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी को मिलना चाहिए। तो इक्विटी क्या है? हमारे अंदर का कॉन्शियंस, जो हमारे अंदर इंसाफ और जस्टिस करने वाली फीलिंग होती है, बस उसी को इक्विटी बोलते हैं। अब हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया।
हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि इंडिया के अंदर, अब जैसे हमने आपको बताया कि ये कई कई प्रोविजन के अंदर रिकॉग्नाइज है, पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसी के अंदर बना हुआ है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये मैक्सिम कहाँ से आ गई। देखिए जब ये इक्विटी कोड काम कर रही थी, अब हमें आपको बताया कि देखिए इक्विटी कोड के लिए कोई लिखा हुआ कानून नहीं है, ना कोई ये कस्टम फॉलो करते हैं, ना किसी चीज़ को फॉलो करते थे। तो अब उसके बाद भी तो फिर ये भी तो हो गया ना कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है ये गलत काम कर सकते हैं, कुछ गलत फैसला ले सकते हैं। भाई जब कुछ लिखा कानूनी नहीं है, कोई आदमी कहेगा मेरे कॉन्शियंस के हिसाब से आपके साथ गलत नहीं हुआ है, आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, आपके साथ अन्याय नहीं हुआ। तो कुछ इसकी मैक्सिम्स जो थी धीरे धीरे चलते चलते कोर्ट ने डेवलप करा, उन्हीं मैक्सिम्स को हम लोग कहते हैं इक्विटी की मैक्सिम्स जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी बताया गया है। इक्विटी फॉलोज द लॉ, वेयर द इक्विटीज ऑल इक्वल, वेयर इक्विटीज ऑल इक्वल लॉ शैल प्रिवेल, वेयर द इक्विटी फर्स्ट इन नंबर, जो पहले इक्विटी होगी वो प्रिवेल करेगी। इस तरह की बहुत सारी इक्विटी हैं, जहाँ पे हम लोग ये भी पढ़ते हैं एक इक्विटी के बारे में कि वेयर देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमेडी, एक इक्विटी की मैक्सिम ये भी है। तो यानी ये कोर्ट को, यानी जो इक्विटी के बेसिस पे चलेगा उसको गाइड करने के लिए है मैक्सिम। हालांकि ये मैक्सिम जो है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही मैक्सिम्स के बेसिस पे इक्विटी कोर्ट फंक्शन करेगी, वो इसके अलावा भी सरकमस्टांसेस को देखेगी और उसको गवर्न कर सकती है। तो ये आज हम लोगों ने कई चीज़ों को समझा, इक्विटी क्या चीज़ होती है इसकी ओरिजिन के बारे में समझा और मैक्सिम्स के बारे में समझा। अब हम कोशिश करेंगे कि इनकी मैक्सिम्स के ऊपर वीडियो बना सकें, हेलो अंकुश गर, इनकी मैक्सिम्स के ऊपर बता सकें, क्योंकि उनसे बहुत से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। अब इसके बाद अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर इक्विटी और कानून के अंदर टकराव होता है तो क्या होगा। देखिए अगर कोई लिखित प्रोविजन नहीं है, अगर कोई लिखित प्रोविजन नहीं है तो इक्विटी का कानून जो है प्रिवेल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर लिखित कानून है तो इक्विटी का कानून प्रिवेल नहीं करेगा, इक्विटी प्रिवेल नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास लिमिटेशन एक्ट है, अब लिमिटेशन एक्ट के अंदर कोई मामले के लिए बता दिया गया कि आपके पास जो लिमिटेशन पीरियड है सूट फाइल करने का, जो लिमिटेशन पीरियड है वो 12 साल है। अब आप 13 साल बाद आ रहे हैं, 14 साल बाद आ रहे हैं, अपनी कहानी सुना रहे हैं, अरे हम तो बहुत परेशान थे, बहुत थक गए थे, ताकि कोर्ट जो है आपका सूट इंटरटेन कर लें, तो वहाँ पे आपको इक्विटी के बेसिस पे भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए लिमिटेशन एक्ट में 12 साल बता दिया गया है कि 12 साल के अंदर अगर आप सूट फाइल कर सकते हैं तो करिए, वरना नहीं फाइल करेंगे। तो वहाँ पे आपको इक्विटी का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, जहाँ पे कोई लिखित प्रोविजन साफ तौर पे लिखा हुआ। इक्विटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इंजंक्शन आ गया, इंजंक्शन आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें इक्विटी द्वारा ही कंप्लीट होती हैं, मतलब कवर होती हैं इक्विटी द्वारा। तो ये इक्विटी के ही मैक्सिम से आई है निकल के, इक्विटी के प्रिंसिपल से ही ये प्रोविजन बने। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो इनको लाइक ज़रूर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा बहुत सारे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं मैक्सिम के जो जल्दी नहीं मिलते हैं, तो दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। और मैं फिर वही बोलूँगा कि अगर आप घर में बैठ के लॉ पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, या आप घर में बैठ के जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं, या अभी आपने लॉ में एडमिशन लिया है या आप लेने जा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप किस स्टेप में आगे बढ़ें ताकि आप जुडिशियल सर्विसेज में फ्यूचर में अपियर हो सकें, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं कॉल मी फोर ऐप के थ्रू। कॉल मी फोर ऐप पे मेरी आईडी है najeebkhan@cm4, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है najeebkhan11, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।